एक्चुअली आज फटी हुई जींस के लिए डांट सुन के आ रही हूँ, तुम दोनों अपने मोबाइल छोड़ सकते हो 2 मिनट के लिए। तुमने स्मित का पिक देखा, चिलिंग इन पटाया? हाँ मैंने अभी देखा, पता है मेरा प्रोफाइल पिक्चर देखा? या 500 लाइक्स, ग्रेट यार। मेरे पास एक्चुअली में कोई सीरियस टॉपिक है तो मेरे को कुछ बताना हो तो मेरे को फेसबुक पे अपडेट डालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वी आर लिसनिंग, पर वैसे इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, तो मैं हूँ कोयल वेब दुनिया हिंदी से और मेरे साथ है कोपल और खुशबू, और हम सब जानते हैं कि एक ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो सोशल मीडिया एडिक्ट होता है या जिसको अपने फोटोज के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी होता है कि कितने लाइक्स आए कितने कमेंट्स आए। मेरे को नहीं पता इसको एडिक्शन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लेकिन नो सी एडिक्शन वाली बात तो नहीं कह सकते हैं। हाँ पर मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कोई पिक्चर अपलोड कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे कितना देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने हाहा आ रहे हैं, कितने हार्ट्स आ रहे हैं। मतलब कोपल उन लड़कियों में से हैं जो फोटो अपनी पुरानी वाली वापस अपलोड करती है ताकि उसमें और लाइक्स आए। तुम भी ऐसा करती हो खुशबू? मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा करती हूँ क्योंकि वहाँ मेरे रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स नहीं रहते तो मैं कुछ भी अपलोड कर सकती हूँ। ये फेसबुक से ज्यादा अपने जो रिलेटिव होते वो इंस्टाग्राम इन सब पे कम राइट। तो जो अपन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी एक सोशल मीडिया आजकल टीनेजर्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इवन यू नो मैं कितनी ज्यादा क्रेजी हूँ स्नैप को लेकर। एक्चुअली मैंने खुशबू के स्नैप देखे रोड पे जाते हुए, गाने चलाते हुए, उसका स्नैप बनाते हुए, वो क्या है? मतलब हमने इंदौर की सड़कें देखी है, पता होना चाहिए मुझे कौन सा गाना पसंद है, मैं कौन से रोड पे जा रही हूँ। और इवन मैं तो कम क्रेजी हूँ, मेरा भाई तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। एग्जैक्टली, ये छोटे भाई या फिर टीनेजर्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया पे यू नो अपनी जनरेशन ऐसी कि अगर हम डेली अपडेट्स भी डाल रहे हैं ना तो हम कुछ नॉलेजेबल चीज भी डालते हैं उसके साथ साथ, पर टीनेजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, हर एक 10 मिनट में उनकी एक नई अपडेट आती है। अभी मैं कॉफी पी रहा हूँ, अभी मैं दोस्तों के साथ चल गया, आई एम एनॉयड राइट नाउ, आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। और एक्चुअली में टीनेजर्स जो है उन लोगों के बीच में ये ज्यादा क्रेज इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारी जनरेशन को हमारे मम्मी पापा ने गुल्ली डंडा और छुपन छुपाई में ज्यादा रखा है तो इसलिए अपन के बीच में इतना क्रेज नहीं। और जहां तक फेसबुक वाली बात आती है तो उसमें तो आजकल लोगों ने अपना बिजनेस ही बना दिया है। अगर आप पेजेस फॉलो करो या उनको लाइक एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो वो फेसबुक के थ्रू उनके पेजेस के थ्रू हम लोगों को अपडेट देते हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज है जो चीजों को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आजकल तो मेरे ख्याल मेरी अगर प्रोफाइल में देखा जाए तो हर मतलब दिन के 2 नोटिफिकेशन तो रहते हैं, वो सिर्फ जो लोग मेमे बोलते हैं पर वो जो होता है मीम्स है, मीम्स के नोटिफिकेशन बहुत रहते हैं कि मतलब कोई ना कोई एक अगर दोस्त होता है रिलेटिव होता है जो टैग करता ही करता है आपको। मीम्स में तो बहुत सारे नोटिफिकेशन, जैसे कैंडी क्रश की नोटिफिकेशन आती है वैसे मीम्स की भी नोटिफिकेशन आती है क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के अपने को। कैंडी क्रश तो यू नो टीनेजर्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, इवन टीनेजर्स व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं देखा जाए तो। उनकी हर थोड़े देर में प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाती है। मेरे को मेरा टाइम याद है कि जब मैंने बोला था मेरे को मोबाइल चाहिए तो मम्मी ने बोला तो कॉलेज में नहीं जाएगी, कॉलेज में भी गई तो वहां पे मेरे को मिला अपना नोकिया जिसमें से बात कर सकते थे और अपन मैसेज कर सकते थे। वैसे भी टेक्नोलॉजी और मेरे ख्याल सोशल मीडिया जो है वो इतना इम्प्रोवाइज हुए जा रहा है और आगे बढ़े ही जा रहा है। इम्प्रोवाइज से याद आया कि फेसबुक पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है कि आपके फोटोग्राफ्स पे तो वो रहता ही है लाइक और हार्ट और हाहा एंड सैड एंड एंग्री एंड ऑल दैट, अगर आप कॉमेंट भी करो तो उसमें भी ये वाले ऑप्शन आते हैं तो ये चीज है ना इंटरेक्शन बनाते हैं। अब आपने एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया है एंड यू आर गेटिंग इंटरेक्शन और भाई क्या चल रहा है आजकल, ये चीज है। पर एक पीरियड के बाद ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि आपने एक फोटो डाली उसमें आप लाइक करो आपको पसंद आई कमेंट्स बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हमको आएंगे हाँ लुकिंग ब्यूटीफुल। एक्चुअली खुशबू को तो ये सब चीज बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये तो बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं, ट्विटर जो होता है जो काफी जिसमें नॉलेज की चीजें आती है इसमें आपको ट्रेंडिंग सबसे पहले पता पड़ता है। तुम तो नहीं यूज करती होगी ट्विटर? यूज करती हूँ, मेरे को लगा नहीं क्योंकि ये रोड पे गाने डालने वाली लड़की है तो नॉलेज लेती हूँ और लेना भी चाहिए। सही बात है, तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को हमने उस यूज के हिसाब से हम कैसे यूज कर रहे हैं वो चीज होती है। बाकी ट्विटर इज वेरी नॉलेजेबल, एक्चुअली इट इज वेरी नॉलेजेबल क्योंकि मैं उसको पिक्चर अपलोड करने में यूज नहीं करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या अपडेट्स वगैरह चल रहे हैं। इंस्टाग्राम आई यूज फॉर दैट और मैं अपने रिलेटिव को एक्चुअली ऐड नहीं करती हूँ उसमें, वो तो कोई भी नहीं करता मेरे ख्याल से। वर्ल्ड वाइड है, सारे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं
एंड ये चीजें हैं, बट सोशल मीडिया से लोग अपने कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं, आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रह भी सकते हैं। जैसे कि कोबल ने बोला कि उसकी जो फ्रेंड है वो जो भी वर्ल्ड वाइड जो उसकी कोई भी फ्रेंड है तो वो उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं अगर आप नहीं इतना फ्रीक्वेंटली रह पाते हो तो। इवन वी गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम यू नो, जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग भी हो गया है ट्विटर से, ट्विटर में जैसे ट्रेंडिंग आता है वैसे फेसबुक पे ट्रेंडिंग आता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और ये सारी एप्स आए जा रही है, सोशल मीडिया बढ़े जा रहा है और इस चीज का मेरे को नहीं लगता कोई एंड होगा। अब तो खुशबू और कोपल तो मेरे को लग ही रहा था, वेट कर रही थी कि मैं चुप हूं तो वो लोग अपने फोन्स पे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आप भी हमें बताइए कि आपके ग्रुप में कौन कोपल है और कौन खुशबू है, और सब्सक्राइब करिए वेब दुनिया हिंदी में। ओके बाय बाय।